स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैसे और लैसे। एलसीएम और एचसीएफ हम किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैसे की। तो मैसे हमारा जो एचसीएफ होता है, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जिन्हें हम कहते हैं। तो मैसे निकालने के हमारे पास दो विधि होती है, एक हमारी भाग विधि, एक हमारी होती है गुणनखंड विधि। तो स्टूडेंट, हम दोनों ही विधियों के बारे में बात करेंगे और लैसे को हम केवल गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारा कोई एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे हमसे कह दिया जाए, एक छोटा एग्जांपल लेकर रख देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हमसे कह दिया जाए 40 और 90 का मैसे, मतलब एचसीएफ निकालो। तो हम इनका देखो कैसे, मैं दोनों विधियों से बताऊंगा, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। भाग विधि से क्या होता है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को भाग करते हैं। भाई 40 से 90 में कई बार भाग चला जाएगा, दो बार, तो 10 आ जाता है। तो अब इसमें भाग विधि में हमारा क्या होता है, हम यहां इसको नहीं रोकते हैं, यहां एक और बार भाग बना लेते हैं जो इसका हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है ना, डिवाइड मेथड होता है हमारा। तो जैसे इसको यहां आ गया, इसको यहां उतार लेते हैं, 10 × 40, ठीक है। तो जिससे ये हमारा जीरो आ जाता है वही उसका एचसीएफ होता है, मैसे होता है, ठीक है। इसका 10 आ गया। अब देखिए, जैसे इसी का ही मुझे करना होता गुणनखंड विधि से, तो मैं 40 के गुणनखंड करता। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में आपको गुणनखंड सिखाया है, तो देखिए 40 से 20 बार कट गया, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब ऐसे ही 90 को काट लीजिए, 2 से 90 कितनी बार कटता है, देखिए 2 × 8, यहां 1 बच गया, 0 मिलकर 2 × 5 = 10। अब 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको निकालिए, 2 इसमें भी आ रहा है, एक बार लिख लीजिए, और 2 नहीं आ रहा है बाकी, फिर 5 इसमें आ रहा है, 5 लिख लीजिए, 2 × 5 = 10। यहां से भी हमारा 10 आया था, यहां से भी हमारा 10 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा जो मैसे निकालने का, जो एचसीएफ निकालते हैं उसको निकालने का प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो आगे भी इस्तेमाल होगा उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम आपको यहां करके देखेंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं स्टूडेंट्स लैसे। लैसे निकालने के लिए भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे पास कोई उदाहरण हो, भाई हमने मान लिया हमारे पास उदाहरण है 90 और 120, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना, लैसे निकालना। इसके भी दो विधि मैं आपको बता दूं, दो के बाद फिर आपको देख लेना। सबसे पहला होता है दोनों को एक साथ करके इनके गुणनखंड कर देने होते हैं। ऐसे से करना होता है सबसे पहले, जिससे कोई सा एक जा रहा हो, जैसे 2 से जा रहा है ये 45 बार, 2 से ये भी जा रहा है हमारा 60 बार, ठीक है, 60 बार। 2 से 45 जा रहा है, 2 से 30 बार जा रहा है। देखो 45 2 से नहीं जा रहा था ना, तो 45 को ऐसे ही लिख लिया। फिर 2 से अभी 30 जा रहा है, तो 45 को ऐसे ही लिख लो, ये 15 जा रहा है। अब देखिए 3 से ये दोनों ही जा रहे हैं, 3 से 15 बार ये जा रहा है, 5 बार ये जा रहा है। 3 से देखो ये अभी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखो 5 × 5 = 5, 5 × 5, तो ये हमारा। अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये एलसीएम नहीं है अभी, तो हम इसको फैक्टर कर लिए केवल। एलसीएम ये है, आप इस सब की गुणा कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो देखिए करिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 5 तो 72 5 जो आप निकाल लीजिए, 5 × 2 = 10, और हमारे पास आ गया 5 × 7 = 35 और 1 = 36, 360 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हमको इसका 90 का अलग करना है, 120 का अलग करना है, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार। तो देखिए, आप सबसे पहले इसमें दोनों में आ रहा है, तो 2 को एक बार लिख लीजिए, इसके बाद ये तो आपका कट गया, इसके बाद 3 आपका दोनों में आ रहा है, तो आप 3 को लिख लीजिए, 5 आपका दोनों में आ रहा है, एक बार 5 लिख लीजिए, जो जो नहीं आए हैं उनको भी लिख लीजिए, गुणा 3 और यहां पर गुणा 2 गुणा 2, सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए,
दो तिया छह, छह पंजे तीस, तीस तिया नब्बे, नब्बे दुनी 180, 180 दुनी 360। तो ये हमारा लैसे और मैसे निकालने की विधि थी। इससे अगली जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम कैसे हमारी भिन्न संख्याएं जैसे 1/10 प्लस 1/20 इन सबको हम जोड़ते हैं, क्योंकि इन सब में लैसे और लैसे का ही प्रयोग होता है। इसको हम बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।